महानगर के इंदिरा नगर मोहल्ले में 30 साल पुराने रास्ते को दीवाल चलाकर बंद कर दिया गया है, जिससे वहां के रहने वाले लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। मोहल्ले वासियों के इस समस्या को लेकर सदर सांसद प्रवीण निषाद, लोक दल के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह सैथवार, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जयाउल इस्लाम सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शनिवार कमिश्नर अनिल कुमार से मुलाकात कर उन्हें मामले से अवगत कराया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से इंदिरा नगर में नवनिर्मित दीवाल को हटाकर मार्ग को चालू करने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की मांग को सुनकर कमिश्नर ने उन्हें मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि इंदिरा नगर में 30 साल पुराना रास्ता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह सैथवार ने कहा कि उक्त मार्ग पर दीवाल चलने से यहाँ के लगभग 500 लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गोल हो गया है, आगे आगे आ जाइए, थोड़ा और आ जाइए। हो गया तो हम नियम बस नियम से जब किसी भूमि को किसी पार्टी ने सेल भी करने के बाद उसकी संपत्ति हो गई है, तो अगर वो अपनी संपत्ति नहीं वापस जीडीओ में लौटाना चाहे तो जीडीओ सुम होकर कैसे ले सकता है। पर फिर भी ये सब चीज़ें जो भी आती है उसको हमें विदेश में इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी आएगा विदेश पहले सामने का ये बात सही है। आपकी बात एकदम ही जस्ट है, जो आपने नियम से बात कही एकदम आप व्यवहारिक दृष्टि थोड़ा जाइए सर। हाँ, कि जैसे कि कमिश्नर बॉस और बहुत से बड़े बड़े व्यापारियों के वर्ग जो आपसे निपटते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ माननीय, जब आप जिंदगी में मेंबर थे और डिप्टी मेयर थे तब क्यों नहीं सुलटाया आपने? उसमें सर नहीं, ये तो जमीन सर उस पर खड़ंजा पहले से आपकी खड़ंजा उस पर लगा है, इंटरलॉकिंग लगा है, तो हम लोग कहीं ध्यान नहीं गया कि इंटरलॉकिंग है ऑलरेडी खड़ंजा 30 साल से, तो वो कहीं दिक्कत होगी। जो जमीन रजिस्ट्री कराए महोदय जी ने वो खुद उनको देखना चाहिए कि वो जमीन पर जब खड़ंजा इंटरलॉकिंग है तो लेना उतना छोड़ ही कराना चाहिए, लेकिन वो इसलिए करा लिए हम अपना गिरवा लेंगे और आज गिरा भी लिए। यही माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद थे तो कई बार उसमें लिख के दिए हैं कि रास्ता होना चाहिए और करना चाहिए, उस पर लिखे भी हैं और आज गिरा गया। सर दिखवाने के साथ साथ एक निवेदन जब तक दिखवा रहा हूँ तोड़ दिया जाए। सर एक मिनट, वहाँ 500 घर है 1500 लोग, आना जाना एकदम मुश्किल, किसी तरह से लोग आ रहे हैं। नहीं सर, तो अभी दो चार दिन तो हुआ बनने में, बन सकता है तो रह सकता है, प्रशासन के द्वारा एक बना है। चलिए अब आप जब जिद कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी बात है। इंदिरा नगर के उत्तरी छोर पे है, जहाँ मोहल्ले के कम से कम सैकड़ों घरें हैं, सैथवार मल महासभा भी है, सभासद जी भी उस मोहल्ले के खड़ंजा लगवाए थे उसको उजाड़ करके, और भूमाफिया अवैध रूप से प्रशासन के बल पे उसको कब्जा कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों द्वारा किया जाएगा। किस तरह की दिक्कत हो रही है वहाँ पर? दिक्कत रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही पूरे मोहल्ले का रास्ता ही रुक गया। 500 घरों का करीब रास्ता रुक गया, सैथवार मल महासभा का रास्ता रुक गया और सारे लोग पीड़ित हैं और कोई शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर सपा के शासन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसी रास्ते के आधार पर खोला गया है, एकदम संकट। आगे अगर नहीं मानते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा जनता, क्योंकि जनता के आवाज़ के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं देंगे इसके लिए आंदोलन
हम लोग करने के लिए बात होंगे। एक हमारे गांव है बुलंदपुर, इंदिरा नगर जो है, वहाँ पे हमारे मोहल्ले वासी हैं और तकरीबन 30 वर्षों से वहाँ सरकारी इंटरलॉकिंग और खड़ंजा भी है, लेकिन विगत 4 तारीख को वहाँ पे प्रशासन के निर्देश पे या जो भी है भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और 5 स्टार का होटल का निर्माण, इससे वहाँ का जो मार्ग था वो बाधित हो गया है। तो जितने भी मोहल्ले वासी हैं उन सबको आने जाने में दिक्कत हो रही है, वो सार्वजनिक सरकारी जगह उसको कब्जा करके क्या फ़ायदा। इसके लिए हम लोग आए हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए।